मीडिया रिपोर्ट में जब भी विपक्षी नेता या प्रवक्ता ज्ञान देने लगते हैं तो एंकर उन्हें बार बार टोकते रहते हैं, जिस वजह से विपक्षी नेता एंकर को सुना देते हैं। आज की वीडियो में भी कुछ ऐसी ही डिबेट्स का जिक्र करते हैं। आज तक की एक डिबेट में एंकर ने कांग्रेस के प्रवक्ता से सवाल किया, जब वह जवाब देने लगी तो एंकर ने बीच में टोका, जिसके बाद उन्होंने एंकर की क्लास लगा दी। नहीं, मेरा प्रश्न है, मेरी डिबेट सलमान खुर्शीद के बयान पर है। या तो कांग्रेस उससे अपने आप को डिस्टेंस कर रही है, क्योंकि प्रश्न यहाँ पर है कि इस पर एक व्यक्ति नहीं, कई व्यक्तियों ने, कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों ने बयान दिया है। पूर्व वित्त मंत्री और पूर्व गृह मंत्री रहे पी चिदम्बरम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहते हैं कि जिस तरह किसी ने जसिका लाल को नहीं मारा, वैसे किसी ने बाबरी मस्जिद नहीं गिराई। इस तरह के बयान का टाइमिंग और मकसद क्या है? मैम, सुप्रिया श्रीदेव जी, मेरी डिबेट आज इस पर है। मेरा निवेदन है, जो मैं प्रश्न पूछूं उसका उत्तर दें। आपका डिबेट रिलीजन पर है, मैं रिलीजन पर ही सवाल पूछ रही। मेरा डिबेट रिलीजन पर नहीं है, आई एम सॉरी, मेरा डिबेट रिलीजन पर नहीं है। मेरा डिबेट सलमान खुर्शीद के बयान पर है। मैम, सलमान खुर्शीद के बयान पर है। सलमान खुर्शीद जब वो नेहरूवियन आइडियोलॉजी की बात करते हैं, जब वो इन मुद्दों पर बोल रहे हैं, आप मंत्रमुख सुन रहे थे, अब मैं मंत्रमुख सुनूं या कैसे भी सुनूं, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। मेरा निवेदन आपसे, आपका उत्तर दें। एमएच खान, न्यूज 18 की एक डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता जवाब दे रहे थे तो एंकर ने उनके एक बात से असहमति जताई, जिसके बाद एंकर और प्रवक्ता दोनों के बीच में तीखी बहस देखने को मिली। कांग्रेस पर उंगली उठाने से पहले खुद अपने गिरेबान में झांक के क्यों नहीं देखते? देखिए, ये राजनीति करने वाली बात बिल्कुल नहीं है। राहुल गांधी जी गए हैं, अब प्रियंका वड्रा जी उधर जाकर के गोवा गई है, तो ये दिखा करके अब देश को ये समझाना चाहे कि ये गलत है। आप बताइए ईमानदारी से, आपने तस्वीरें देखी? एक मिनट रुकिए, मेरे सवाल सुनिए। हो सकता है जब आप भी आज तस्वीरें देख रहे होंगे तो आप भी भावुक हो। सीडीएस कोई बीजेपी के नहीं, देश के थे, कांग्रेस के भी थे, आपके भी, मेरे भी, सबके थे। आप भी भावुक हुए होंगे। फिर वो तस्वीरें जब बेटियां मुखाग्नि दे रही हैं और फिर ये तस्वीर, क्या आपको ठीक लगा, आपको अच्छा लगा? बस ये मुझे बताइए अब्दुल भाई, ईमानदारी से बताइए। आपको आपको ये नहीं दिखाई दिया कि आज सारा दिन केशव प्रसाद मौर्य जी क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे ये नहीं दिखाया? बताइए ना। अरे वो भी तो चुनावी रैली कर रहे थे, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया क्रिकेट खेल रहे थे, आपको नहीं दिखाया जाता ना? प्रेम शुक्ला, बीजेपी वालों की गलती आप नहीं दिखाते? ठीक है, प्रेम शुक्ला। जी न्यूज की एक डिबेट में एंकर ने विपक्षी नेता को उनके सवालों का जवाब देने को कहा। विपक्षी नेता ने बीजेपी सरकार को घेरना शुरू किया। जब एंकर ने उन्हें उनके सवालों का जवाब देने को कहा तो उसके बाद प्रवक्ता और एंकर के बीच में बहस हो गई। बीजेपी है क्या सर? आप किस तरह की पॉलिटिकल पार्टी है सर? आप किस तरह की पॉलिटिकल पार्टी है? और फिर आप हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, आप हिंदुओं को ये बताना चाहते हैं कि उनका अपना पुजारी कैसे चुनना चाहिए? फिर आप ये भी कहते हैं कि बीजेपी डिसाइड करे कि शंकराचार्य दलित समाज से आए? सर किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? आप किस तरह की बातें कर रहे हैं विवेक श्रीवास्तव जी? और आप सुधार करना चाहते हैं, आप जी न्यूज पर मत जाइएगा सर, आप जी न्यूज पर मत जाइएगा। सर्वधर्म संभाव की बात अगर करते हैं, हर रिलीजन के लिए बराबरी की बात करते हैं, तो हर रिलीजन की बात कीजिए मेरे सामने, एक रिलीजन की बात मत कीजिए। आप क्या कह रहे हैं? अच्छा, अब आप उस पर निजी हमले करने लगे सर, अब आप उस पर निजी हमले करने लगे। मैं इंडियन हूँ, ध्यान से सुनिए, दोनों कान खोल के सुनिए। आई एम एन इंडियन आप नहीं कह पाएंगे, मैं कह रही हूँ। आपकी पॉलिटिक्स अलाउ नहीं करती होगी। आई एम एन इंडियन और मैं किस रिलीजन की हूँ, मैं उसे स्टेबल पर लेकर नहीं आती हूँ। और इसलिए ये समझ लीजिए आप ये जो निजी आक्षेप मेरे ऊपर लगा रहे हैं, बंद कर दीजिए और डिबेट में डिबेट की तरफ। न्यूज 18 की डिबेट में विपक्षी नेता ने बीजेपी सरकार को घेरना शुरू किया, जिस पर एंकर ने उन्हें बार बार टोका, इसका प्रवक्ता ने करारा जवाब दिया। वो कह रहे दो शादियां नहीं कर पाएंगे, इस बात क्यों डरा रहे? छोड़ो ना यार, कौन छोड़ो, हर बात तो पकड़ो, ये छोड़ दो बात की कोई बात। देखिए आप चाहते रहिए, बात कोई कायदे की हो तो उसका जवाब दिया जाए, ये बेकायदे की बातों का जवाब नहीं दिया जाता। अमीश जी, आप पढ़े लिखे आदमी हो और पूरा देश आपको देखता है, इन बातों पर डिबेट नहीं होती है कि दो शादियां होंगी, चार शादियां होंगी, कौन रोक रहा है यार? करोना कितनी शादियां करना है, खिलाने की ताकत तो होना चाहिए, भीख तो मांग रहा है पूरा उत्तर प्रदेश, आप दो शादी की बात कर रहे हैं। भीख पूरा उत्तर प्रदेश, जो बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, ये बड़ा गलत बयान आपका। क्यों पूरा उत्तर प्रदेश भीख मांग रहा है साहब? और ये क्या हो रहा है, आप ये बताइए। देश की दूसरी बड़ी जीडीपी उत्तर प्रदेश भीख मांग रहा है, की जीडीपी गिरी हुई है नीचे, कौन बात कर रहा है जीडीपी? कौन जीडीपी में बात कर रहा है? 2 करोड़ नौकरियां कहां जो प्रधानमंत्री ने कहा था, कहां है 15 लाख रुपया? फालतू की बात करते हो यार, ठीक है कहां है 15 लाख रुपया? जवाब जवाब होता क्या था, प्रधानमंत्री क्या बोलते थे? 15 लाख रुपया यूं ही आ जाएंगे, मैं अपनी यूं ही आ जाएंगे 15 लाख रुपया। यार कब तक देश के लोगों को बेवकूफ बनाओगे? ठीक, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहें पंजाब टुडे के साथ। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब, एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।